गुड मॉर्निंग क्लास। आज का बेटे हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बेटे आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमारे लिए। आप लोग आराम से मेरी बातों को सुनेंगे, ठीक है? कोई क्लास में बात नहीं करेगा। बेटे हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, बेटे हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है बेटे प्रोडक्ट मेथड, एक होता है हमारे पास इनकम मेथड, और एक होता है बच्चों हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड होता है बेटे, इसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड होता है इसका दूसरा नाम वैल्यू एडेड मेथड भी होता है, इसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से। मैं बेटे आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा और लिखवाता भी जाऊंगा। बहुत आसान मेथड है बेटे वैल्यू एडेड मेथड, ठीक? तीनों मेथड्स में सबसे आसान मेथड है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे और साथ साथ नोट करें। बेटे इस मेथड के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाई ईच प्रोडक्शन यूनिट इन एन इकोनॉमी, ठीक है? अभी मैं इसको आपको जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो साथ साथ बातें समझाता जाऊंगा। आपने फर्स्ट पॉइंट यहां लिखना है, अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम is estimated by calculating the net value added at factor cost by each प्रोडक्शन यूनिट इन एन इकोनॉमी। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, जो हर प्रोडक्शन यूनिट इकोनॉमी में काम कर रही होगी उसके लिए, और हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। आगे की बात अभी आप चिंता ना करें, आपको सारी बातें आराम से समझ जाएंगे। आप लिखते हैं बेटे, इस मेथड को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, नीड टू अंडरस्टैंड
मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इन पहले हम लोगों को इस मेथड को समझने से पहले बेटे इन दोनों टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इनपुट हमें इन दोनों टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है वैल्यू ऑफ इनपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्म्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सर अब आप हमें इन दोनों टर्म्स के बारे में समझाएंगे? हाँ बेटे, मैं आपको आगे इन्हीं के बारे में समझाने वाला हूं। ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगे, आपको ये मेथड क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बेटे। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमारे पास दो चीजें प्लस होंगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर हम बेटे दो चीजों को प्लस करेंगे। फर्स्ट है बेटे हमारे पास सेल्स, और सेकंड होता है बेटे हमारे पास एक्सपोर्ट्स। फर्स्ट है सेल्स और दूसरा है एक्सपोर्ट्स। अभी हम उन दोनों के बारे में बात आपसे, सॉरी, सेल्स एंड सेकंड इज चेंज इन स्टॉक। फर्स्ट इज सेल्स और सेकंड इज चेंज इन स्टॉक। अभी हम बेटे दोनों के बारे में आपसे चर्चा करें। हम पहले बात करें बेटे सेल्स किसको कहते हैं। सब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आराम से बता देंगे कि सर जितना आउटपुट एक फर्म मार्केट में सेल कर रही है उसको हम लोग सेल्स कहते हैं। लेकिन बेटा सेल किस किस को किया जा रहा है? बेटे सेल हाउस होल्ड को किया जा रहा है, गवर्नमेंट को किया जा रहा है, या अदर फर्म्स को किया जा रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा, हम बेटे सेल्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी करते हैं जिसको एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। तो यहां लिख सकते हैं इट इज द मनी वैल्यू of output sold by firm to households or to government और टू अदर इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड टू द रेस्ट of the world। और rest of the world को हम जो सेल करते हैं उसको क्या कहा जाता है बेटे? उसको कहा जाता है exports। उसको हम लोग कहते हैं exports। तो सर आपने सेल किया हाउसहोल्ड को, आपने सेल किया गवर्नमेंट को, आपने सेल किया अदर फर्म्स को। हाँ बेटे, मैंने वही आपको लिखवाया। आपने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हाउसहोल्ड्स को सेल किया, आपने गवर्नमेंट को सेल किया, आपने अदर फर्म्स को सेल किया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आपने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल किया बेटे उसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स। उसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेल्स इज इक्वल टू सेल्स
सेल्स इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट को गुणा किया गया, मल्टीप्लाई किया गया आउटपुट सोल्ड से। आप जितना आउटपुट बेच रहे हैं अगर आप उसको बेटे प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको सेल्स कहा जाता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं बेटा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अभी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बेटे अगर वर्ड आपके सामने सेल्स है, देखो अगर आपके सामने वर्ड सेल्स है ठीक, तो सेल्स के अंदर हम दो पार्ट करते हैं, सेल्स में हम लोग दो पार्ट करते हैं, एक है सेल्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, सेल्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी विदेश को कहा जाता है डोमेस्टिक सेल्स, और एक सेल होती है बेटे जो हम लोग करते हैं आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेटे जिसको कहा जाता है एक्सपोर्ट्स। तो आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि सेल्स मतलब आपने जो सेल डोमेस्टिक टेरिटरी में करी है या फिर आपने जो एक्सपोर्ट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करे हैं, दोनों इंक्लूडेड हैं बेटे, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। तो आपको हमेशा याद रखना है बेटे अगर आपको वर्ड सेल्स दिया गया है तो सेल्स में दोनों चीजें इंक्लूड, लेकिन अगर आपको वर्ड डोमेस्टिक सेल्स दिया गया है तो आपको एक्सपोर्ट्स अलग से ऐड करना पड़ेगा। बेटे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वर्ड सेल्स गिवन है या फिर आपको टोटल सेल्स गिवन है तो इसका मतलब है बेटे कि एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है, इसका मतलब है कि इस सेल में एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है। लेकिन बेटे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वर्ड डोमेस्टिक सेल्स दिया गया है, अगर आपको वर्ड डोमेस्टिक सेल्स दिया गया है, आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ डोमेस्टिक सेल्स, तो वहां का मतलब है कि वहां पे एक्सपोर्ट एक्सक्लूड, एक्सपोर्ट एक्सक्लूडेड, यानी आपने वहां पर अगर सेल्स पर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक सेल्स में प्लस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स। आपको डोमेस्टिक सेल्स में प्लस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स, ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई, ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई। तो सेल्स के अंदर दोनों बातें आती हैं बच्चों, सेल्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में वर्ड सेल्स गिवन है, आपको अगर क्वेश्चन में वर्ड सेल्स गिवन है, आपको क्वेश्चन में वर्ड टोटल सेल्स गिवन है तो आप एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है बेटे, ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर, आपको फिर एक्सपोर्ट्स को इग्नोर करना है। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको गिवन है डोमेस्टिक सेल्स, तो बेटे वहां का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स वहां पे एक्सक्लूडेड, आपको उसको अलग से ऐड करना होगा, यानी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स फिर सेल्स की बात होगी ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे बच्चे, बच्चों ने नोट किया, अब हम लोग आगे चलते हैं पॉइंट नंबर टू। मैंने आपसे कहा था
कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर हमने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ना था सेल्स, जो मैंने आपको ये लिखवाया। अब हम सेकंड कंपोनेंट की बात करेंगे जिसको कहा जाता है चेंज इन स्टॉक। अब देखिए, पहले आप समझ लें फिर मैं आपको लिखवाता हूं। मान लो बेटे ये है ईयर 2019-20 और ये ईयर है 2020-21। आपने बेटे इस ईयर में गुड्स परचेज कर, परचेज ऑफ गुड्स, आप पूरे साल यहां पे सेल करते रहे, आप पूरे साल यहां सेल करते रहे, इस पॉइंट पर, यहां पे, इस पॉइंट में कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह गए और ये अनसोल्ड स्टॉक जो 2019-20 के लिए क्लोजिंग स्टॉक था, क्योंकि साल के आखिर में वहां पे अनसोल्ड रह गया, 2020-21 के लिए ये ओपनिंग स्टॉक, और बेटे इस साल फिर परचेजेस हुई होंगी, हमने 2020 और 21 में फिर परचेजेस की होंगी, हमने गुड्स को परचेज किया होगा, तो इस साल जो गुड्स परचेज हुए बेटे हमने उनको भी सेल किया होगा, और ये जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, ये भी हमारे साथ होगा। और ऐसा हो सकता है बेटे कि इस साल के आखिर में एट द ईयर एंड कुछ स्टॉक फिर अनसोल्ड रह गए, जो 2020 और 21 के लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो बेटे हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि जो गुड्स हम परचेज करें वो सेम ईयर में परचेज हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बेटे कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है, तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल के लिए ओपनिंग बन गया, और इस साल के अंदर भी कुछ गुड्स अनसोल्ड रह गए जो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक रह गए। तो बेटे हम लोग क्या करते हैं कि जो आउटपुट फर्म प्रोड्यूस करती है वो सेम ईयर में बेटे सेल नहीं हो पाता है, कई बार वो सेम ईयर में सेल नहीं हो पाता है, and there may be some output remaining unsold at closing stock at the end of the accounting period. This unsold stock does not get reflected in the current period sales figure. ये जो unsold stock है बेटे ये इस साल की sale थोड़ी है, उस sale के अंदर थोड़ी include होगा, ये तो unsold रहेगा हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ता है बेटे, हमारे को last year का जो opening stock था और जो इस साल का closing stock का, उसका जो difference होता है बेटा, उसका जो change आता है, जो inventory investment हमारी होती है, उसको हमें यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड करना होता है। ओके सर, बेटे मैं जब इसको लिखवाऊंगा तो आपको सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। समटाइम्स द आउटपुट रिड्यूस्ड by a firm is not sold in the same year and there may be some output
रिमेनिंग अनसोल्ड जो कि हमारे लिए कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ at the end of accounting period. This unsold stock does not get reflected, in the current year sales same way but in the same way some stock from the previous year some stock from previous year yani beta opening stock has been sold in the current accounting period इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड बेटे जो लास्ट ईयर नहीं बिका वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया ये मैंने अभी आपको लिखवाया था और समझाया था और जो इस साल नहीं बिका वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है जी सर तो बेटे हमें क्या करना है हमें इसके डिफरेंस को देखना है देयरफॉर टू इवेल्युएट correct value of output we also consider the change in stock or we can say inventory investment अब सर क्वेश्चन ये राइज होता है चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट कैसे होगा तो बेटे चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक minus opening stock बेटे इसका ना एक और नाम होता है जो मैंने अभी आपको लिखवाया भी inventory investment या change in stock closing stock minus opening stock अब यहां पे आपको दो बातें जरूर याद रखनी है बेटे यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ चलें बच्चे साथ साथ नोट करें आपको यहां दो इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है बेटे व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन opening stock then it is termed as increase in stock
इट इज टर्म्ड एज इंक्रीज इन स्टॉक, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव चेंज इन स्टॉक। लेकिन बेटे इसका रिवर्स अगर हम लोग सोचें, इसका कन्वर्सली अगर हम लोग सोचें, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज स्मॉलर देन ओपनिंग स्टॉक, देन इट इज टर्म्ड एज डिक्रीज इन स्टॉक। यानी बेटे नेगेटिव चेंज इन स्टॉक, नेगेटिव चेंज इन स्टॉक। यानी सर हमारे सामने फॉर्मूला जो बना वैल्यू ऑफ आउटपुट का, वो क्या बना? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या हम क्या कह सकते हैं बेटे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटे हमने वैल्यू एडेड मेथड के अंदर एक पार्ट अभी तक हमने समझा, जिसको कहा गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ। हमें दूसरे पार्ट को भी समझना बहुत जरूरी है, जिसको कहा जाता है बेटे वैल्यू ऑफ इनपुट, जिसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ इनपुट। मैं बेटे हेडिंग डालूंगा वैल्यू ऑफ इनपुट्स, बेटे वैल्यू ऑफ इनपुट्स क्या होते हैं आप लोग ध्यान से देखना। इसको ना बेटा जनरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहा जाता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की बात हम लोग कर चुके हैं, तो इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। It refers to value of non-factor inputs. That means all inputs other than फैक्टर इनपुट्स। सर फैक्टर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मेनली it includes value of raw materials used
इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इट इज पॉपुलरली नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. मैं इसको दो पार्ट में फिर डिवाइड कर सकता हूं. जैसे मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट को किया था, वैल्यू ऑफ इनपुट को, कि अगर आप रॉ मटेरियल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी लेते हैं या फिर बेटे आप अपना रॉ मटेरियल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेटे आप इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है बेटे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल from rest of the world, जिसको हम लोग imports कहते हैं. ठीक है सर, आपको यहां पर बस बात इतनी सी याद रखनी है कि अगर आपको domestic purchase word दिया है, बच्चों ने साथ साथ नोट किया और बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा ऊपर कर दे, मैंने कर दिया बेटे, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दिया, आप लोग देख सकते हैं. बेटे आपको दोनों बातें समझ में आ गई तब आपको वैल्यू एडेड भी समझ में आ जाएगा. हमारे लिए वैल्यू एडेड होता है बेटे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट. अच्छा एक बात और हम आपको यहां बताने वाले थे कि अगर आपको बेटे क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेज वर्ड दिया है तो बेटे आप प्लस करेंगे इंपोर्ट्स को, अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेज नहीं दिया तो बेटे आप क्या करेंगे, आप इग्नोर करेंगे इम्पोर्ट. अगर डोमेस्टिक परचेज वर्ड है तो आप ऐड करेंगे इम्पोर्ट को, वरना आप उसको इग्नोर कर दें. अगर आपको डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज वर्ड दिया है बेटे, टोटल परचेज या परचेज वर्ड दिया है, तो फिर आप इम्पोर्ट को इग्नोर कर. ठीक है, हम बेटे इकोनॉमी के अंदर तीन सेक्टर्स की बात करते हैं. एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर और एक है टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर
और टर्किश सेक्टर। हम क्या करेंगे बेटे, तीनों सेक्टर का अलग अलग वैल्यू एडिट निकालेंगे, तीनों सेक्टर के लिए अलग अलग वैल्यू एडिट निकालेंगे। मतलब बेटे हम इसके लिए ग्रॉस वैल्यू एडिट अलग निकालेंगे, बेटे हम यहां पर मार्केट प्राइस, यहां भी बेटे हम इसका ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस अलग निकालेंगे, यहां भी अलग निकालेंगे। और बेटे हम क्या करेंगे, हम तीनों को अलग अलग निकालने के बाद, हम तीनों को अलग अलग निकालने के बाद प्लस करेंगे, वो हमारी इकोनॉमी के लिए आ जाएगा। और फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, बेटे हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एनएनपी एफसी में, यानी कि नेशनल। बेटे यहां तक आप लोगों ने वैल्यू एडिट का सारा कॉन्सेप्ट समझा, और बेटे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग को मैं इसके सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। मैं आपको वैल्यू एडिट के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खुद करवा दूंगा बेटे, सारा असाइनमेंट मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा आपको तीनों मेथड्स के लिए। लेकिन आप ये सारी बातें जो मैंने लिखवाई, इनको जल्दी से लर्न कर लेंगे, इनको आप पढ़ लेंगे, और बेटे अगर आप इसको कर लेंगे लर्न और पढ़ लेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।